समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के बीच बड़ी दूरियां किसी से छुपी नहीं है। इस समय चाचा भतीजे एक दूसरे पर कटाक्ष करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, लेकिन इन सब के बीच सोमवार की शाम चाचा भतीजे को एक साथ एक शादी समारोह में देखा गया। मौका था पूर्व डीजीपी जगमोहन यादव की भतीजी की शादी का। इस मौके पर चाचा भतीजे दोनों एक साथ समारोह में मौजूद रहे। दोनों अगल बगल ही बैठे दिखे। मंगलवार सुबह अखिलेश ने अपने ट्विटर हैंडल से चार तस्वीरें ट्विटर की, जिससे फोटो में अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव सोफे पर अगल बगल बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश ने जो फोटो अपने ट्विटर से शेयर की है, उसमें अखिलेश जिस सोफे पर बैठे हैं उससे ठीक सटे दूसरे सोफे पर उनके चाचा शिवपाल भी बैठे हैं। उनके बगल में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी जगमोहन यादव बैठे हैं। कार्यक्रम लखनऊ में जगमोहन यादव की भतीजी अमृता यादव की शादी का था, जिसमें चाचा भतीजे दोनों पहुंचे थे। बता दें कि यूपी में जिस समय अखिलेश यादव की सरकार थी, उस समय जगमोहन यादव को डीजीपी बनाया गया था। जगमोहन यादव लंबे समय तक सपा सरकार के विभिन्न कार्यकाल में बड़े पदों पर तैनात रहे हैं। हाल ही में शिवपाल यादव ने ट्वीट करते हुए कहा था कि अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया, इसके बावजूद भी अगर नाराज हूँ तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदते चला गया। एक बार पुनः पुनर्गठन, आत्मविश्वास और सबके सहयोग की अप्रतिम शक्ति से ईद की मुबारकबाद। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।